हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। मींस यहाँ आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3:x प्रोपोर्शन 9:15। रेशियो मींस क्या होता है? एक्स। रेशियो मींस डिवाइड और प्रोपोर्शन मींस इक्वल, और 9 रेशियो मीन्स डिवाइड 15। अब आपको यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। हो जाएगा 3 × 15 इक्वल टू 9 × x। 15 × 3 = 45, 9 × x। अब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स को यहीं रहने दीजिए, 9 का ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब 9 यहाँ इंटू में है, ट्रांसफ़र करेंगे तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। 45 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू एक्स। 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45। तो आंसर कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड इज 2/3 प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल 6/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 × x इक्वल टू 6 × 3, 2x = 18। एक्स को यहीं रहने देंगे, 2 का ट्रांसफ़र कर देंगे, 18/2, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 69, 92, 87। यहाँ आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो फोर्थ को हम एक्स मान लेंगे। 69 ratio 92 proportional 87 ratio x। यहाँ हमको फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो x मान लिया। 69/92 = 87/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 69 × x = 87 × 92। अभी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को यहीं रहने देंगे, 69 का ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 87 × 92/69, 3 से कट कर देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27। अब 23 × 1 = 23, और 23 × 4 = 92। ये ऑड नंबर है, इसलिए डायरेक्ट इसी से कटेगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 29 × 4 मीन्स 116। तो आंसर कितना हो जाएगा? 116। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4, 5 और 6। अभी आपको थर्ड फाइंड करना है, तो थर्ड नंबर पे हम क्या मान लेंगे? एक्स। 4:5 प्रोपोर्शन, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड पे आपको क्या मानना है? एक्स, देन 6। ये हो जाएगा 4/5। रेशियो मीन्स डिवाइड और प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल, एक्स अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 × 6 = x × 5। 4 × 6 = 24 = x × 5। अब यहाँ आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 का ट्रांसफर कर देंगे, तो 24/5 इक्वल टू एक्स। आंसर आ जाएगा 5 × 4 = 20, 4.8। एक्स इक्वल टू 4.8 इसका आंसर होगा।